नमस्कार, सूचस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। एक नजर हेडलाइंस पर। दुर्गाष्टमी पर मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। सीएमआर में जगदम्बे भवानी मंदिर में की परिवार सहित पूजा अर्चना। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तैयार हो रहे होनहार, सीएम ने ट्वीट कर कहा ये शिक्षा क्रांति राजस्थान को बहुत आगे लेकर जाएगी। सरकारी स्कूलों में पौष्टिक और संतुलित आहार वितरण के लिए सरकार की पहल, शिक्षा मंत्री ने किया मिड डे मील हेल्पर्स को टैबलेट वितरण। बुलेटिन में सबसे पहले बात दुर्गाष्टमी के पावन पर्व की। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दुर्गाष्टमी की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में स्थित श्री जगदम्बे भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने परिवार सहित अष्टमी पूजन किया, हवन कर सभी की समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा मात्र शक्ति की आराधना का ये पर्व हमें महिलाओं का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बेटियों को बचाने और महिलाओं का सम्मान करने का संकल्प लें। अब बात महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा के राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल का एक वीडियो सीएम के ट्विटर हैंडल पर है। इसमें देखा जा सकता है कि जोधपुर के चैनपुरा स्कूल की कक्षा 3 के बच्चे मास्टर हिमांशु कवरिया और बेबी आर्या गौर आपस में इंग्लिश में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। In which class do you study? I study in class 3rd. Will you please tell me something about your school? Okay, it is a government English medium school. There are many teachers in it. They are very skilled. They teach us very well. We are fed midday meal. We are given books with free of cost. We have not to pay any kind of fee. That's fantastic. Who is your favorite teacher, Himanshu? Mr. Shailram is my favorite teacher. The teaching style is very interesting. He is so friendly among the students. He helps us so much. What are your hobbies? I like playing games, reading books, watching TV and learning something new. It's very nice to see you, Himanshu. Wish you good luck. Thank you, Arya. See you again. Goodbye. आपको ये भी बता दें कि राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतरीन काम कर रही है। सरकार द्वारा प्रदेश में खोले गए महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स क्वालिटी एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। वहीं इन स्कूल्स को लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़कर हमारे बच्चे भी अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने शिक्षा विभाग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने मिड डे मील योजना में कार्य कर रहे कुक कम हेल्पर को टैबलेट वितरित किए और उनके प्रशिक्षण हेतु फोसा FDM ऐप का लोकार्पण किया। इस अवसर पर डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि ऐप से 9 चैप्टर्स के माध्यम से सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पकाने वाले कुक कम हेल्पर को हाथ धोना, रसोई में सफाई रखना, भोजन बनाने वाले बर्तनों को साफ रखना, कीटाणुओं से खाने को बचाना, खाने को सही तरीके से पकाना, भोजन बनाने के बाद कचरा प्रबंधन इत्यादि के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि राजस्थान का आहार विविधता और पौष्टिकता लिए हुए है, साथ ही देश और विदेश में इसकी प्रशंसा होती है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि सरकारी विद्यार्थियों को हफ्ते में 2 दिन दूध सप्लाई करने का कार्यक्रम जल्द शुरू होगा।
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह मनाया गया। समारोह में कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने पीएचडी की डिग्रियां प्रदान की। समारोह में चिकित्सा मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा भी मौजूद रहे। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना के विकट दौर में राजस्थान में हुए बेहतरीन प्रबंधन की सराहना देश और विदेश में हुई। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए साल 2023 से पहले 3 के अलावा प्रदेश के सभी जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय और सभी जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय शुरू कर दिए जाएंगे। सूजस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।